करीमनगर से आया हुआ हूँ। उधर करीमनगर में करीमनगर डिफेंस अकेडमी स्थापित किया हूँ। मैं नेवी में भी सर्विस किया था। जब से करीमनगर डिफेंस अकेडमी स्थापित किया था तब से उधर का लोकल अकेडमी तेजस डिफेंस अकेडमी, दिल्ली डिफेंस अकेडमी एंड हैदराबाद सीएसआई डिफेंस अकेडमी लोगों ने बहुत प्रेजर डाल रखा है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा फैसिलिटीज़ पूरा हिंदुस्तान में नहीं है वैसे फैसिलिटीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हम भी सर्विस में करके आया था तो हमें भी पता है स्टूडेंट्स का कितना मुश्किल होता है उधर बिना अच्छा एकोमोडेशन का रहना। इस चक्कर में इन लोगों ने हमारा पीछे पड़ा हुआ है, तब से हमारा बदनाम करने के लिए कोशिश किया हुआ है, लेकिन उनका हो नहीं पा रहा था कोशिश बदनाम करना। लास्ट में मेरा अकाडमी में जो बंदा जो स्टाफ ज्वाइन किया था बीवी रमना करके, उनके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन बना के उनके नाम बदनाम करके उनके थ्रू हमारा अकाडमी का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा था। उनके लिए पूरा प्रूफ के साथ हमने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया हुआ है और हैदराबाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स का कमीशन में भी कंप्लेंट किया हुआ है। उन लोगों ने एबीवीपी सचिन नारायणा एंड न्यूज़ टीवी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल सुधाकर का लोग और ये डिफेंस वाला का डिफेंस अकेडमी जो भेजा है उन गुंडे लोगों ने 10 लाख का डिमांड किया हुआ है हमने रिश्वत, लेकिन हमने नहीं दिया है। उस चक्कर में हमारा ऊपर गलत इंजाम लगा के कुछ गलत वीडियोस वायरल कर रखा है, इनके रिगार्डिंग हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट किया हुआ है, उनके ऊपर एक्शन लेंगे करके उन लोगों ने बताया हुआ है। एबीवीपी सचिन नारायण, एबीवीपी प्रेसिडेंट बोल के वो सचिन नारायण एंड रिपोर्टर टीवी यूट्यूब चैनल सुधाकर और वो तीनों अकाडमीज भेजा जो गुंडे लोगों ने आके उन लोगों ने अटैक किया हुआ, उधर 3 लेडी स्टाफ है उन पर भी मैन हैंडल किया हुआ है। अब हमसे 10 लाख डिमांड किया हुआ है, हमने मना किया हुआ है 1 रुपया भी नहीं देंगे बोल के। उसके होते हुए दो घंटे तक जून 23 को 2 घंटे तक हमें बहुत परेशान किया हुआ है। परेशान करके हम तुरंत जाके करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया हुआ था और श्रीकाकुलम एसपी ऑफिस में भी कंप्लेंट किया था। अभी ह्यूमन राइट्स स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कंप्लेंट कर रहे हैं। एक्शन नहीं पुलिस वाला की, पुलिस वाला ने उन लोगों ने दो पुलिस वाला मिला हुआ है। दूसरा दिन 24 जून को बुलाया है हमें, बुला के उन लोगों ने बोला है कि ऐसे सब इंस्पेक्टर पी महेश को केस हैंड ओवर करके किया हुआ करके बोला है। उन लोगों ने 4 दिन छुट्टी पे है, बाद में आया करके बुलाया। फिर जब हम ऑफिस में चले गए फिर इन लोगों ने आके फिर वापस अटैक किया हुआ है। हमको डाउट लगा उधर पुलिस वाला एक्शन नहीं लेंगे बोल के हम श्रीकाकुलम जाके उधर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट किया हुआ है। अभी हम पता करके ये ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेंट करके दरा के पूरा प्रूफ्स के साथ वीडियो फुटेज ऑडियो फुटेज के साथ इधर कंप्लेंट किया हुआ है। इन लोगों ने एक्शन लेंगे करके हमें भरोसा दिया था। इन आदमी मेरा पास काम कर रहा था उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था पूरा प्रेस कोई गलती नहीं है, इंडियन आर्मी कॉलिंग अच्छा से स्थापित किया हुआ है करके उन लोगों के ऊपर गलत इंजाम लगा के हमारा अकाडमी को बदनाम करने का वो ऊपर कार्रवाई हो। और उनका एक्चुअली जो विद्यार्थी लोगों के लिए जो मदद करना चाहिए उन लोगों ने विद्यार्थी लोगों को ख़राब करने के लिए संस्था बना रहे, ऐसे लीडर्स को सस्पेंड कर देना चाहिए उनसे। तो एबीवीपी अखिल भारत विद्या परिषद मतलब महाविद्या संस्था उन जैसे संस्थाओं में इन लोगों का जैसे करप्टेड पर्सन होना ही नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। इनको जो लोग पॉलिटिशियंस जो पुलिस मदद कर रहे हैं उनको भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। तो अकाडमी करीमनगर डिफेंस अकाडमी खुला हुआ है, इनका परमिशन लेके खोलना चाहिए, एबीवीपी का परमिशन से खोलना चाहिए। इनका मना करने पे हमको खोलने का इजाज़त नहीं है बोलता है, उसके चक्कर में उन लोगों ने 10 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। अगर रिश्वत देंगे 10 लाख रुपया तब भी हम चला पाएंगे, नहीं तो हम लोग को चलाने नहीं देंगे, मार डालेंगे करके ना उसके हमारा प्राण का हानि है करके हमने कंप्लेंट भी कर चुके हैं। सर कौन कर रहा है? अकाडमी का कंप्लेंट आया था और हम लोग हमारे स्टाफ हमारे रिपोर्टर्स सोशल वर्कर्स हम सब वहाँ पे जाके वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करें, वहाँ के हमारे पास प्रूफ्स है, वीडियोस है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग के पास, वो वहाँ के लोगों को ये लोग हरास करें और वहाँ के लेडीज को रोड पे लाके बिठा दिए। गुरुकुल को ये लोग गुरुकुल को मंदिर और गुरु को भगवान का दर्जा देते थे, आज वही गुरुकुल के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। आप लोग से हम लोग आज यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास कंप्लेंट लेके आए, इन लोगों की आप कुछ हेल्प करिए, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे। ये एबीवीपी प्रेसिडेंट्स जो है ना ये वो भी इन लोगों से 10 लाख रुपए की मांग भी कर चुके हैं और इन्हों भी ये कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, अभी भी स्टूडेंट है, अभी इन्हों आज जो है स्टूडेंट्स के वजह से कॉलेज है, कॉलेज के वजह से स्टूडेंट्स नहीं है, वो लोग को परेशान करके आप लोग क्या साबित करना चाह रहे? और एक वक्त था जो औरत को माँ का दर्जा देते थे, आप लोग वही माँ को रोड पे निकाल के मार रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है?
ये अकेडमी के लिए हम लोग पूरे इंसाफ मांगने यहाँ पर आए हैं। हम वो लोग भी एक्शन लेते बोल के बोले, हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर भी हमको रिस्पांस अच्छा मिला। ये लोग भी इन लोग के खिलाफ नामपल्ली ह्यूमन राइट कमीशन के पास आए हम लोग और रिस्पांस अच्छा मिला। ये लोग भी ये लोग के खिलाफ एक्शन लेते के बोले हम लोग को।